कल सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल जी की बेल की हियरिंग थी। उस बेल की हियरिंग में भारतीय जनता पार्टी की सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होके बोला कि हमें इस मामले में एफिडेविट फाइल करने में समय चाहिए, आज हियरिंग मत करिए, हमें एक हफ्ते का समय दीजिए, हमें दो हफ्ते का समय दीजिए, हमें एफिडेविट फाइल करने में समय चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी क्या करता, जब वहां पे सीबीआई का वकील खड़े होके बोलते हैं, केंद्र सरकार की सीबीआई बोलती है कि हमें समय चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी समय दिया और दो हफ्ते बाद की तारीख अरविंद केजरीवाल जी के केस की लगा दी। लेकिन आज जिस एफिडेविट पर सीबीआई ने कहा कि हमें फाइल करने के लिए एक हफ्ते का समय चाहिए, आज वो एफिडेविट दिल्ली के देश के हर अखबार में छपा हुआ है। इसका क्या मतलब है कि जो एफिडेविट सीबीआई कह रही थी कि हमने तैयार नहीं किया, हमें तैयारी के लिए एक हफ्ते का समय चाहिए, तो वो आज देश के हर अखबार में कैसे छप गया? इसका मतलब है एफिडेविट तैयार था। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट को झूठ बोला गया। इसका मतलब है कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल को कुछ दिन और जेल में रचने की साजिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और यह कोई आज की बात नहीं है, पिछले दो साल से लगातार आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं के खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है, सभी नेताओं के खिलाफ रेड हो गई, सभी नेताओं को बार बार पूछताछ के लिए बुलाया गया और गवाहों को धमकाया गया आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ गवाही देने के लिए। इतनी रेड्स के बाद भी एक रुपया भ्रष्टाचार का नहीं मिला, फिर भी आम आदमी पार्टी के नेताओं को एक एक करके गिरफ्तार किया गया। सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया गया, मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया, संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया गया, लेकिन फिर भी जब आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार की रफ्तार नहीं रुकी, तो लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी को भी गिरफ्तार कर लिया झूठे मुकदमे में। और आप इस षड्यंत्र को देखिए, साफ साफ भाजपा का षड्यंत्र नजर आता है, साफ साफ नजर आता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई को अपने राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है।